वेलकम बेस्ट स्टूडेंट स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट किया है। आज हम इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज मिसेलेनियस एक्सरसाइज 5 हम स्टार्ट करेंगे। ओके देखो, उसमें हमें इवेल्यूएट करना है फर्स्ट क्वेश्चन कि i^18 प्लस 1 अपॉन i^25 का होल क्यूब, ये हमें सोल्व करना है। ओके इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, हमने आई के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। ओके आई की पावर कुछ समथिंग थी, तब हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था आई का, वो ऐसा कुछ था। देखो मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास आई की पावर 4k+1 है तो उसका कुछ आंसर आएगा। आई की पावर या तो 4k+2 है, आई की पावर 4k+3 है और आई की पावर 4k है, तो इसका कुछ आंसर आता था। और हमें जब भी आई का क्वेश्चन आता था, i^2 समथिंग कोई भी वैल्यू, तब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। ओके पर देखो, मैंने तब एक बात आपको बताई थी कि अगर इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, ओके इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें इसकी वैल्यू हमें रिमेम्बर करनी है। देखो i का जो वैल्यू है वो √-1 है, i² यानी -1 है, i³ यानी -i है और i^4 यानी 1 है। ओके अगर हमें ये पता है तो हम आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो हमारे पास हियर गिवन क्या है, हियर i^18 प्लस 1 अपॉन i^25 और इसका भी क्यूब और इज इक्वल टू। देखो अब क्या करना है हमें, ये जो i^18 है ना, उसको हमें 4k प्लस या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4k टाइप में हमें कन्वर्ट करना है। ओके तो ध्यान से देखो, ये हमें यहां 4 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें देखो 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि वो 18 के नजदीक पहुंचे। तो हम देखो 4 जा 16 होगा, 4 5 जा क्या होगा 20 होगा, तो 20 इससे बड़ा हो जाएगा, पर हमें या तो इसके जितना या तो इसके नजदीक पहुंच रहा है, इससे बड़ा नहीं लेना है। इसका मतलब 4 जा ही मुझे कराना पड़ेगा, तो 4 जा 16, बचा कितना 2, तो ये देखो 2 हो गया। देखो ये हो गया हमारा 4 और ये है k, यानी 4k+2 इस फॉर्म में आ गया। ओके क्या फॉर्म में आ गया, 4k+2 के फॉर्म में। ओके चलो अब इसको भी कैसे लिखेंगे, देखो ये 1 की पावर 25 और यहां भी क्या होगा i की पावर 25 और इसका क्यूब, क्लियर। चलो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देख लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4i की पावर 4 x 4 इंटू आई का स्क्वायर। ओके क्लियर। अब देखो अब यहां ध्यान से देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 की पावर 25 यानी 1 और इसको हम लिखेंगे i^4, क्योंकि हमें पावर बड़ी है 25, तो हमें इसको i^4k+1, 2, 3 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्लियर। तो 4 x क्या करेंगे हम 6 कर दें, क्योंकि 4 6 मल्टीप्लाई होगा तो 24 और उसको हमें ऐड करना पड़ेगा 1 और इसका क्यूब। ओके चलो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो i की पावर 4 और इसकी पावर 4 और i की पावर 3 ले i² यानी -1 प्लस यहां क्या होगा, देखो i^4 और इसकी पावर 6 इंटू आई होगा कि नहीं, ध्यान से देख लो इसको। ओके चलो i^4 इसका आंसर था हमारे पास 1। ओके क्या था 1, तो 1 की पावर 4 क्या होगा, यहां 1 की पावर 4 इंटू -1 प्लस यहां होगा 1 की पावर 6 इंटू आई और इसका क्यूब। तो यहां देखो 1 की पावर 4 यानी 1 इंटू -1 यानी होगा -1 प्लस यहां होगा 1/i ओके और इसका क्यूब। ओके यहां तक कंप्लीट। चलो अब देखो हमारे पास यहां -1 है, अब हम आई को कभी भी नीचे नहीं रखेंगे। ओके आई को कभी भी नीचे नहीं रखेंगे, तो इसको हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
मतलब वन अपॉन आई था और आई का कॉन्जुगेट होगा माइनस आई अपॉन माइनस आई। ओके क्लियर, ये क्या होगा देखो कॉन्जुगेट इसका माइनस, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। हम कॉन्जुगेट में क्या करते थे देखो, हमारे पास अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट यानी z बार क्या होगा x माइनस आई वाई ना। हमारे पास जो भी इमेजिनरी नंबर है उसके आगे की जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे, क्लियर ना। तो यहां हमारे पास इमेजिनरी नंबर i था तो उसकी हमने साइन चेंज कर दी। तो देखो यहां क्या होगा, माइनस वन प्लस माइनस आई इंटू वन यानी माइनस वन माइनस आई हो जाएगा और यहाँ होगा आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर और यहाँ माइनस आगे है तो माइनस आई स्क्वायर होगा और इसका आंसर आता है वन ऑलवेज। ओके तो वन यहाँ मैं लिखूं या तो ना लिखूं तो भी चलेगा। तो यहाँ हमें मिला माइनस वन माइनस आई का क्यूब। ओके चलो तो इसका हम क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आएगा कि पहले जो टर्म है उसका क्यूब माइनस बीजा जो सेकंड टर्म है उसका क्यूब माइनस थ्री फर्स्ट टर्म माइनस वन सेकंड टर्म आई इंटू माइनस वन माइनस आई। ओके ये मैंने क्या किया भाई, इस फॉर्मूला का यूज किया ए माइनस बी का क्यूब का, क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ओके क्लियर, तो चलो माइनस वन का क्यूब यानी माइनस वन और आई का क्यूब यानी क्या होगा माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा यहां माइनस माइनस प्लस थ्री और यहां होगा आई और यहां है माइनस वन माइनस आई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन प्लस आई माइनस थ्री आई माइनस, देखो ये माइनस थ्री आई स्क्वेयर मतलब प्लस थ्री होगा ना। ओके चलो यहां होगा माइनस टू और यहां होगा माइनस टू आई, तो आप माइनस टू कॉमन निकाल दो तो यहां होगा वन प्लस आई, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके ये हमारा आंसर आ गया। पर अगर देखो आप इसकी अगर वैल्यू जानते हो 4k प्लस 1 की, तो 4k प्लस 1 की वैल्यू क्या आती है भाई, ऑलवेज आई आती है ना। इसकी वैल्यू क्या आती है माइनस 1, इसकी वैल्यू माइनस आई है और इसकी वैल्यू 1 है, क्लियर। आप ध्यान से देखो ये भी आपको आसानी से याद रह जाएगा, 4k की वैल्यू तो ऑलवेज, 4k की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज 1 होती है, तो हमें लास्ट में जो लास्ट वाली टर्म है ना वो ही देखना है। तो आई की यहां होता है 1, इसका मतलब आई की पावर 1 यानी क्या होता है आई, आई की पावर 2 यानी माइनस 1 और आई की पावर 3 यानी माइनस 3, आई की पावर 4 यानी 1। तो आप यहां से भी आंसर लिख सकते हो कि आई की पावर 4k प्लस 2 टाइप है तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस 1 आएगा। ओके देखो यहां आया माइनस 1, क्लियर। अगर आई की पावर 4k प्लस 1 है तो आई आएगा, देख लो 4k प्लस 1 है ना, क्या आया आंसर आए इजी। तो आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके फिर ये तो आपको टर्म करनी है, यहां जो ये सॉल्यूशन तीन स्टेप हमें बच जाते हैं। ओके अगर ये आप जानते हो तो, पर ये भी सिंपल है ये भी याद रख लो। ओके मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा आपको ये काम करने में आसानी होगी, तीन स्टेप हमारा बच जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझ लो एक बार फिर से, क्लियर। चलो क्वेश्चन टू देखो, टू देखो एकदम सिंपल है, खाली समझना ही है हमें कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो जेड वन और जेड टू, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि उसका जो रियल पार्ट मतलब जेड वन और जेड टू का अगर मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन करके रियल पार्ट निकालो तो जो वो रियल पार्ट होगा वो रियल जेड वन इंटू रियल जेड टू माइनस इमेजिनरी जेड वन इंटू इमेजिनरी जेड टू होगा, ये हमें क्वेश्चन समझाता है। ओके तो देखो इस क्वेश्चन की जो बात है ना वो एकदम मस्त है। देखो ये क्या है, देखो कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मल्टीप्लीकेशन करो और उसका रियल पार्ट निकालो तो वो जो होगा ना वो इसका मल्टीप्लीकेशन, जेड वन का रियल पार्ट जेड टू का रियल पार्ट इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इमेजिनरी जेड वन इंटू इमेजिनरी जेड टू का मल्टीप्लीकेशन जितना होगा। देखो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक बार मैं जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ फिर आपको एकदम मस्त समझाता हूँ। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात की ना यहाँ, तो देखो मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, तो यहां मैं ले लेता हूँ कि लेट
लेट जेड वन इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अब वन ले ले दो क्योंकि जेड वन है ना, तो एक्स वन वाई वन ले लिया, एंड एंड जेड टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर ना। तो हमें देखो रियल जेड वन रियल जेड टू क्या आवश्यकता है, इमेजिनरी जेड वन और इमेजिनरी जेड टू क्या आवश्यकता है, तो मैं इससे मैं रियल जेड वन और रियल जेड सॉरी रियल जेड टू फाइंड कर लेता हूं। देख लो कि यहां से मुझे रियल जेड वन क्या मिलेगा एक्स वन, ओके, और रियल जेड टू क्या मिलेगा यहां से एक्स टू, यहां से इमेजिनरी जेड वन क्या मिलेगा वाई वन, और यहां से इमेजिनरी ऑफ जेड टू क्या मिलेगा वाई टू, ओके। चलो अब हमें क्या करना है कि हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके। तो चलो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी जेड वन इंटू जेड टू करेंगे, तो जेड वन क्या है हमारे पास भाई एक्स वन प्लस आई वाई वन इंटू जेड टू क्या है एक्स टू प्लस आई वाई टू। चलो अब मल्टीप्लिकेशन करो, तो x1 का x2 के साथ और x1 का iy2 के साथ, देखो क्या होगा x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस iy1 का x2 के साथ, यानी ये होगा i x2 y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2 होगा कि नहीं, और i स्क्वायर यानी ये माइनस वन हो जाएगा, ओके। चलो अब एक काम करते हैं, हम इस रियल पार्ट को इसके साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्योंकि ये जेड वन इंटू जेड टू है, ओके आप यहां लिखो जेड वन इंटू जेड टू, तो एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस यहां से आई कॉमन निकाल दो, तो यहां होगा एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन, ओके। चलो अब जेड वन इंटू जेड टू निकल गया, उसमें भी हमें इसका रियल पार्ट निकालना है, तो चलो यहां से रियल पार्ट निकालो, तो ये होगा रियल ऑफ जेड वन जेड टू, इसका रियल पार्ट यानी ये आएगा ना पोर्शन, तो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू, ओके। चलो एक्स वन क्या है हमारे पास, एक्स वन यानी रियल जेड वन, तो एक्स वन की जगह मैं क्या लिखूंगा रियल जेड वन, एक्स टू की जगह क्या लिखूंगा रियल जेड टू, माइनस वाई वन की जगह क्या लिखूंगा इमेजिनरी जेड वन इंटू इमेजिनरी जेड टू, दिस इज इक्वल रियल जेड वन जेड टू, यही बात समझ में, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ओके क्लियर। अब देखो ये कहां से सुंदर है क्वेश्चन, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसने बात की ना, तो देखो मैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जाम्पल कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, जेड वन इज इक्वल टू थ्री प्लस आई फोर एंड जेड टू इज इक्वल टू टू माइनस आई फोर। चलो ऐसा मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, आप अपने तरीके से भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के देखना, ओके। अब देखो मैं सॉरी रियल ऑफ जेड वन लिखता हूं, रियल ऑफ जेड वन काउंट्स ना करो तो भी चलेगा, इज इक्वल टू थ्री, रियल ऑफ जेड टू इज इक्वल टू टू, इमेजिनरी ऑफ जेड वन इज इक्वल टू फोर एंड इमेजिनरी ऑफ जेड टू इज इक्वल टू माइनस फोर। अब इन दोनों का पहले मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, देखो अब देखो जेड वन इंटू जेड टू में करता हूं, तो ये हो जाएगा जेड वन यानी थ्री प्लस आई फोर, जेड टू यानी टू माइनस आई फोर, मल्टीप्लाई करो तो सिक्स माइनस ट्वेल्व आई प्लस एट आई माइनस सिक्सटीन आई स्क्वेयर, पर ये प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये देखो आप इसका टोटल क्या है, इसका टोटल क्या है 22 माइनस इनका टोटल क्या है माइनस फोर आई, और ये हमें मिला जेड वन इंटू जेड टू, बट हमें रियल पार्ट फाइंड करना है जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू ये आया 22, क्या आया 22। अब देखो हमें क्या करना है, कि हमें एक चीज पता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये पार्ट है कि हमारे पास
देखो रियल ऑफ जेड वन जेड टू है तो उसका जो आंसर मिलेगा वो रियल ऑफ जेड वन इंटू रियल ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड वन इंटू इमेजिनरी ऑफ जेड टू। ओके तो चलो अब देखो ये हमें बताना है कि वो क्या मिलता है। एक पार्ट हमने बता लिया ना, अब बताते हम रियल ऑफ जेड वन इंटू रियल ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड वन इंटू इमेजिनरी ऑफ जेड टू इज इक्वल टू रियल जेड वन क्या है भाई 3 है इंटू रियल जेड टू क्या है 2 है माइनस इमेजिनरी जेड क्या है 4 है माइनस 4 है ना तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 16 और ये आया 22। देख लो सेम ही है दोनों। ये देखो ये आप रिजल्ट जानते होना चाहिए कि भाई रियल ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू ये होता है। ये काम आएगा कभी कभार क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तब ये रिजल्ट आपको अगर पता है तो कितने सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जहां आपको इस रिजल्ट की मदद से आप सोल्व करोगे। क्लियर तो एक बात ये समझ लेना इजी। चलो तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 3 में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है। ओके तो देखो इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो फर्स्ट तो हमें इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल बहुत ही सेम है, एकदम सिंपल है। चलो सॉल्व करो कि हियर हमें गिवन क्या है। देख लो फर्स्ट तो वो लिखो, यहाँ है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई इज इक्वल टू। देखो इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट तो मैं यहां एलसीएम ले लूंगा। यहां हमारा एलसीएम क्या आएगा, देखो 1 माइनस 4i और 1 प्लस आई। ओके इसका मतलब इसको मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 1 प्लस आई माइनस 2 1 माइनस 4i ओके इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ओके चलो देखो तो यहां होगा 1 प्लस आई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8i। ओके इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में, देखो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस आई माइनस 4i माइनस 4i स्क्वेयर, और ये आई स्क्वेयर का माइनस 1 यहां रख दूंगा तो प्लस हो जाएगा। ओके इंटू यहां होगा 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई। चलो अब कैलकुलेट करो तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 यानी -1 और यहां होगा 9i और अपॉन में क्या होगा, देख लो ये होगा 5 सॉरी यहां 3i होगा और यहां होगा 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई। चलो अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसका मतलब ये फॉर्म है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म। ओके ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो वो इस फॉर्म में ही होगा तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। ओके तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ। तो देखो ऊपर क्या होगा, देखो -3 प्लस 4i -3 प्लस 4i और 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 3 27i माइनस 36i स्क्वेयर। ओके पर ये प्लस हो जाएगा 36। क्लियर अपॉन में क्या होगा, देखो 5 5 25 प्लस 5i माइनस 15i माइनस प्लस 3। ओके मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो आप समझ लेना। तो यहां होगा क्या होगा, देखो 33 प्लस 31i अपॉन में 28 माइनस 10i। ओके चलो ये हमें आंसर मिला। पर देखो हमारा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है तो हमें नीचे से i को हटाना पड़ेगा, पर इस i को हटाने से हमें इसकी मतलब हमें इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना।
क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास ये जेड है तो इसका कॉन्जुगेट यानी जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई होगा। ओके, तो हमारा यहाँ कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो 33 प्लस 31 आई अपॉन में 28 माइनस 10 आई, इसका कॉन्जुगेट होगा 28 प्लस 10 आई। ओके, तो 28 प्लस 10 आई। ओके चलो अब मल्टीप्लाई करो, मतलब 33 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, तो 33 क्रॉस 28, देखो मेरे पास कैलसी है, 33 क्रॉस 28 यानी आंसर आया 924। ओके, और 33 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगी 330 आई, प्लस 31 को 28 से, 31 क्रॉस 28 आंसर आया 868 आई माइनस 310। ओके, और अपन में क्या होगा 28 का स्क्वायर, तो 28 क्रॉस 28 तो वो होगा 784 प्लस 100। ओके, ये हमें आंसर मिलेगा। चलो अब इसको और इसको प्लस माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 416, क्लियर, और यहां होगा टोटल 89 और ये होगा 11 आई। ओके ना, 89 और ये 11, अपॉन में क्या होगा देखो 884 क्या होगा 884, क्लियर। तो चलो इसको हम अगर यहां देखो 4 से डिवाइड होगा पर ये होगा मिल, देख लेते हैं 1198 डिवाइड बाय 4, नहीं 4 से नहीं होगा तो 2 से कर देते हैं ना, क्योंकि यहां 2 से होगा 4 से होगा 6 से भी होगा शायद, देख लेता हूं मैं 884 बाय 6, नहीं 6 से नहीं होगा 2 से ही होगा, तो एक काम करते हैं इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं या तो हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो 640 बाय 2 यहां बचेगा, 2 मैंने कॉमन निकाल दिया तो 307 प्लस इसको 1198 बाय 2 तो ये हो जाएगा 599। ओके, और ये आई था ना, आई यहां है, अपॉन में 884 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां बचेगा 2 क्रॉस 442, तो ये 2 2 कट हो गया तो हमें जो आंसर मिला 307 बाय 442 प्लस आई 599 अपॉन 442, तो ये जो हमें मिला वो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, क्योंकि देखो ये रियल और ये इमेजिनरी इस फॉर्म में आ गया हमारा आंसर, क्लियर। तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये था इसका ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर, इजी है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर हम यहाँ स्टॉप करेंगे, क्लियर, आगे के वीडियो लेक्चर में हम आगे का जो सम है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।